गुड इवनिंग स्टूडेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे नोमनक्लेचर और वो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट अपना है नोमनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट नेक्स्ट है नोमनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। नोमनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड में आपको ध्यान रखना है कि प्रायोरिटी किस अकॉर्डिंग अपन को डिसाइड करनी है और किसको अपन को प्रिंसिपल चेन में काउंट करना है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना है, फिर आपको देखना है मल्टीपल बॉन्ड, फिर देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, फिर देखना आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम और लास्ट में रिंग कार्बन एटम की मैं बात करता हूं। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम और रिंग आपके इक्वल आ रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम और रिंग आपके इक्वल आ रहे हैं, आप इसको ऐसा लिख लो तो और ज्यादा बेटर रहेगा। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम देखने हैं और नंबर ऑफ कार्बन एटम में से अगर रिंग कार्बन एटम ये इक्वल आ रहा है आपके किसके साइड चेन के, तो उस वाली कंडीशन में आपको ध्यान रखना है रिंग को आपको प्रायोरिटी पे रखना है साइड चेन से। कब? जब आपके यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम साइड चेन में और रिंग में दोनों में बराबर आ जाते हैं तब आपको रिंग के अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे पहले एग्जांपल है अपने, सबसे पहला एग्जांपल है देखो ये जो साइक्लिक वाला पार्ट है इसके अंदर चार कार्बन है, बार भी मैं देखू तो बार भी चार कार्बन है, दोनों में इक्वल है तो नंबरिंग अपन किसको प्रिफर करेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल चेन में नंबरिंग के लिए, वो है अपना साइक्लिक वाला पार्ट, ठीक है। साइक्लिक वाले पार्ट में नंबरिंग कहां से देंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट आपके पास में, और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा आपके, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 2 3 4 वन पे क्या जुड़ा हुआ है, चार कार्बन है, चार कार्बन है तो ब्यूटाइल, और चार कार्बन की रिंग है, लेकिन साइक्लो आप यहां पे 1 डिग्री प्रीफिक्स काम में लोगे, मैंने आपको बताया था 1 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए काम में लेते हैं अपन, साइक्लो बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड के लिए काम में लेते हैं, तो 1 ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन, ये इसका क्या हो जाएगा आयुपैक नेम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर इसमें आप नंबर ऑफ कार्बन एटम देखोगे तो साइड चेन में आपको 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं जबकि इसकी जो साइक्लिक वाली रिंग है उसके अंदर 4 ही कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें है, इस वाले पार्ट में ज्यादा है, तो इसको अपन क्या रखेंगे मेन प्रिंसिपल चेन में रखेंगे। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सबसे पास में हो वहां से नंबरिंग करेंगे, तो ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोब्यूटिल, ध्यान से सुनना, जैसे मिथाइल होता है इथाइल होता है ऐसे साइक्लिक सिस्टम है, तो साइक्लो और इसमें 4 कार्बन है तो ब्यूटिल हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से अपन को यहां पर नंबरिंग करनी है। तो 1 पे क्या है साइक्लो, 4 कार्बन है ब्यूटाइल, 1 2 3 4 5 पांच पे क्या आता है पेंटेन, क्योंकि इसमें सब में क्या है सिंगल बॉन्ड है, सेचुरेशन नहीं आ रखा है, सॉरी अनसेचुरेशन नहीं आ रखा है इसमें, तो सेचुरेशन है सारा का सारा, तो अपन इसको पेंटेन लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये 4 कार्बन की रिंग है 4 मेंबर्ड, इसके बाहर एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आपको नंबरिंग कहां से करनी है, इथाइल को सबसे कम नंबर देते हुए नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा नेम इसका 1 इथाइल साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन ये इसका नेम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, ये 3 मेंबर्ड रिंग है, इसमें बाहर आपको इथाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है, नंबरिंग कहां से करोगे 1 2 3, 1 पे क्या है इथाइल, 3 कार्बन की रिंग है साइक्लो पेंटेन, साइक्लो सॉरी पेंटेन नहीं साइक्लो प्रोपेन, 3 कार्बन है ना, क्या हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन, 3 मेंबर रिंग है साइक्लो प्रोपेन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, एक मिथाइल ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है और एक इथाइल ग्रुप, सॉरी कितना है 1 2 3 प्रोपाइल है, एक इधर क्या जुड़ा हुआ है 3 कार्बन है ना 1 2 3, तो ये जुड़ा हुआ है प्रोपाइल ग्रुप। अब इसमें भी 3 कार्बन और ये जो रिंग है इसमें भी 3 कार्बन, दोनों में इक्वल आ गए, तो फिर आपको किसके अकॉर्डिंग चलना है, रिंग के अकॉर्डिंग चलना है।
अब आप यहां पे नंबरिंग कहां से करोगे, दो ग्रुप आ गए आपके पास तो दोनों ग्रुप की आप नंबरिंग करोगे अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले आएगा या प्रोपाइल, मिथाइल आएगा, 1 2 3। तो 1 पे क्या है, मिथाइल, और 2 पे क्या है, प्रोपाइल, 2 पे क्या है, प्रोपाइल। फिर ये जो साइक्लिक वाला पार्ट है उसको लिख दो साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, ये 6 मेंबर रिंग दे रखी है, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप और 1 इथाइल ग्रुप यहां पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। तो नंबरिंग कहां से करोगे, नंबरिंग वहां से करना आपको जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, क्योंकि सबसे कम नंबर उन्हीं को मिलेगा। यहां से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। इधर से नहीं आना, क्योंकि इधर से आओगे इथाइल को ज्यादा नंबर मिलेंगे, जो कि आप रूल को यहां पे ब्रेक डाउन कर दोगे। तो आपको इधर से आना है, तो यहां पे इथाइल है और इधर मिथाइल है। अल्फाबेटिकली ई को पहले लिखेंगे, तो 3 3 इथाइल। अब 1 पे क्या है, 1.1 डाई मिथाइल। फिर पूरा नाम लिख दो ऐसा कैसा, साइक्लो हेक्सेन, कैसा क्या जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर में, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, नंबरिंग कहां से करनी है, इथाइल वाले से करनी है नंबरिंग आप, क्योंकि वहां दो वो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए थे, इसलिए अपन ने वहां से नंबरिंग करी है। अब दोनों पे एक एक है, तो फिर आपको अल्फाबेटिकली चलना होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 पे क्या है, इथाइल, 3 पे क्या है, मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन, क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये अच्छा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है। देखो इधर साइक्लिक रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड दे रखा है एक, और साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे NO2 ग्रुप जोड़ रखा है और इधर OH ग्रुप जोड़ रखा है। दोनों एग्जांपल सिमिलर से हैं, लेकिन नोमेनक्लेचर दोनों की अलग अलग तरीके से होगी। क्यों, क्योंकि NO2 क्या है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट है ना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको अपन बाद में रखेंगे, पहले मल्टीपल बॉन्ड को देखते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो कम से कम नंबर आप या तो यहां से दे सकते हो या यहां से दे सकते हो, लेकिन आपको उधर से देना है जिधर से आपके सब्स्टिट्यूएंट को भी कम से कम नंबर मिले। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब देखो 3 पे क्या है, नाइट्रो, 3 पे क्या है, नाइट्रो, फिर इसके लिए साइक्लो हेक्स, और 1 पे क्या है, इन, 1 पे क्या है, इन, ठीक है। साइक्लो हेक्सेन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड रखा है ना, अब तो आप अब यहां पे इन काम में लोगे डबल बॉन्ड के लिए, ठीक है। ऐसे ही ये वाला है OH, OH यहां पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अगर OH यहां पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग अब वहीं से होगी, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड उसके बाद प्रायोरिटी रखता है। नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 3 4 5 6। तो देखो साइक्लो हेक्स, 2 पे क्या है, इन, और 1 पे क्या है, ओल। तो क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन 2 इन 1, ये इसका यूपीएक नेम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कुछ इस तरीके के कंपाउंड, बिल्कुल सिंपल से हैं, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उनके जैसी प्रॉब्लम है सारी की सारी। मेन आपके जो प्रिंसिपल चेन वाला पार्ट है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें ज्यादा उसको रखना है आपको। तो इसमें 4 कार्बन है, इसमें क्या है, 3 कार्बन। ये वाला जो पार्ट है एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, तो नाम लिख दो सीधा, नंबरिंग कहां से करनी है, जहां सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ उसको कम नंबर, 1 2 3 4। तो 1 पे क्या है, साइक्लो प्रोपाइल, भाई इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, साइक्लो प्रोपाइल, और 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें नंबरिंग कहीं से भी कर लो आप, सिमेट्रिकल पार्ट है, और नंबरिंग कहां पे करनी है, 4 मेंबर वाली रिंग पे, 1 2 3 4। तो 1.2 डाई साइक्लो प्रोपाइल, और 4 कार्बन की रिंग है तो
साइक्लोब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, सिक्स मेंबर रिंग पे इसने तीन रिंग और जोड़ रखी है, एक तो पांच कार्बन की, एक तीन कार्बन की, एक दो कार्बन की। तो आपको नंबरिंग अब कहां से करनी है, यहां पे थोड़ा चैलेंजेबल हो जाता है। तो आप नंबरिंग वहां से करोगे जहां से अल्फाबेटिकली जो पहले प्रायोरिटी रखता है। यहां पर देखो चार कार्बन की है, चार कार्बन की तो साइक्लोब्यूटिल, इधर साइक्लोपेंटिल, इधर साइक्लोप्रोपिल, तो साइक्लोब्यूटिल, साइक्लो तो सब में कॉमन है, ब्यूटिल से देखेंगे, ब्यूटिल इसके अंदर है, तो प्रायोरिटी वन पे आएगा। अब आपको किधर चलना है, पेंटिल पे चलना है या प्रोपिल पे चलना है, पेंटिल पे चलना है या प्रोपिल पे, तो देखो दोनों में मैं लिख देता हूं पेंटिल और प्रोपिल, साफ दिखाई दे रहा है, ये पी से तो डिसाइड नहीं कर सकते, तो आगे डिसाइड करेंगे अपन इससे। तो ई पहले रखता है तो अपन नंबरिंग इधर से कर देंगे, ठीक है। तो नाम लिख दो इसका, नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम होगा वन साइक्लो ब्यूटिल, सॉरी तीन पे क्या है, थ्री साइक्लो पेंटिल, और पांच पे क्या है, साइक्लो प्रोपिल, और मेन जो अब रिंग है उसको लिख दो आप, मैं इधर लिख देता हूं नीचे साइक्लो हेक्सेन। क्या हो जाएगा इसका नाम, वन साइक्लो ब्यूटिल, थ्री साइक्लो पेंटिल, फाइव साइक्लो प्रोपिल और साइक्लो हेक्सेन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, ये कुछ अलग टाइप का एग्जांपल है, मल्टीपल बॉन्ड साइड चेन और रिंग दोनों का पार्ट बना हुआ है। तो इस वाली कंडीशन में आपको रिंग की साइड से आपको नंबरिंग करनी होगी, ठीक है। और रिंग में कहां से, जहां से पे वो जुड़ा हुआ है वहां से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। और ये जो ग्रुप है इसमें दो कार्बन है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो कार्बन और डबल बॉन्ड के साथ ऐसे जुड़ा हो, इस टाइप की जो मोइटी होती है उसको बोलते हैं इथिलीडीन। तो वन पे क्या जुड़ी हुई है, इथिलीडीन, और बाकी नाम लिख दो ऐसा कैसा, साइक्लो हेक्सेन, वन इथिलीडीन साइक्लो हेक्सेन, इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की अपन नेक्स्ट जो अपना पार्ट है उसकी बात करते हैं अपन, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप की। और नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले बात करते हैं अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए वैसे तो मैंने प्रायोरिटी जो टेबल बनाई थी उसमें सारे लिखवा रखे थे, फिर भी मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, प्रीफिक्स क्या होगा इसका कार्बोक्सी, सफिक्स क्या होगा इसका ओइक एसिड, और एक स्पेसिफिक सफिक्स काम में लिया जाता है जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कब काम में लिया जाएगा, जब आप कार्बन नॉट काउंट ऑफ COOH वाली कंडीशन देखते हो, यानी COOH ग्रुप में जब आप कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हो तो नया सफिक्स काम में आता है जिसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब यहां पे अपन कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जो डायकार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, उनके नाम आपके एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं, नाम देके वो आईयूपीएसी नेम पूछता है। तो कुछ कॉमन नेम है जिनको लिखते हुए अपन उनके आईयूपीएसी नेम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल की मैं बात करूं वो है अपना COOH, COOH दो कार्बन का, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद दूसरे नंबर पे है, अगर आप एक CH2 और जोड़ देते हो इसमें तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका मेलोनिक एसिड, क्या बन जाएगा ये मेलोनिक एसिड। अगर आप इसके अंदर एक कार्बन और जोड़ देते हो, जैसे CH2 COOH और यहां COOH, ये बन जाएगा आपका सक्सिनिक एसिड। और अगर मैं बात करूं यहां पे एक कार्बन और जोड़ने की, तो एक कार्बन अगर आप और जोड़ देते हो COOH, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ग्लूटेरिक एसिड, क्या बन जाता है ये ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। अगर मैं इसमें एक कार्बन और जोड़ देता हूं, एक कार्बन अगर मैं इसमें और जोड़ दूं ऐसे, तो ये टोटल छह कार्बन का हो जाएगा,
और छह कार्बन का जो ये हो जाएगा इसको अपन बोलेंगे एडिपिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? एडिपिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ डायाबेसिक एसिड है। ऐसे ही आप अगर एक कार्बन इसमें और जोड़ देते हो तो वो बन जाता है पॉमिटिक एसिड। वो भी लिख लो आप, CH2 COOH। और अगर आप इसमें CH2 एक और जोड़ देते हो COOH, ये बन जाता है पॉमिटिक एसिड। अगर मैं इनके आयुपेक नेम की बात करूं तो आयुपेक नेम क्या होगा इसमें? नंबरिंग आपको पता ही है कहां से करनी है, नंबरिंग आपको पता ही है कहां से करनी है, 1 2। सिंपल भाई, दोनों कार्बन है ना, काउंट हो रहे तो नंबरिंग यहां से करोगे। तो दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए इथ वर्ड काम में आता है, वर्ड रूट में। और इसमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो क्या काम में लेंगे? इथेन 1.2 डाइओइक एसिड, ये इसका क्या हो जाएगा? आयुपेक नेम। नेक्स्ट है 1 2 3, तीन कार्बन है, तीन कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 1.3 डाइओइक एसिड। ऐसे ही सक्सिनिक एसिड है 1 2 3 4, चार कार्बन है, चार कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1.4 डाइओइक एसिड। वो एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कई बार कि सक्सिनिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा। अब सक्सिनिक एसिड का उसको फॉर्मूला या उसकी स्ट्रक्चर या शक्ल उसको पता रहेगी तभी तो वो निकाल पाएगा, ऐसे थोड़ी निकाल देगा। ठीक है, तो ये कुछ एसिड है, इनका आपको पता रहना जरूरी है। ऐसे आप इनके नाम लिख लेना, इसमें पांच कार्बन आ जाएंगे, पेंटेन 1.5 डाइओइक एसिड। ऐसे ये एडिपिक एसिड है, ये एडिपिक एसिड पॉलीमर बनाने के काम में आता है। और पॉलीमर कौन सा है? नाइलॉन 6,6। नाइलॉन 6,6 जो पॉलीमर है वो एडिपिक एसिड से ही बनाया जाता है। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका? हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ऐसे पॉमिटिक एसिड है, इसमें सात कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा? हेप्टेन 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के। नेक्स्ट है अपने एग्जाम्पल COOH। देखो यहां पर डबल बॉन्ड बना रखा है मैंने, ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मैलिक एसिड। और अगर मैं इसकी ट्रांसफॉर्म बना देता हूं COOH और COOH, ऐसे ट्रांसफॉर्म बना देता हूं तो ये हो जाता है फ्यूमेरिक एसिड। ये क्या होता है? फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, याद रखना फ्यूमेरिक एसिड ट्रांसफॉर्म होती है, मैलिक एसिड सिस फॉर्म होती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगर अपन बात करें एग्जाम्पल की तो वो एग्जाम्पल है COOH और COOH। अगर मैं यहां पे OH ग्रुप जोड़ देता हूं तो ये होता है आपका मैलिक एसिड। देखो ये मैलिक होता है और ये होता है मैलिक एसिड, दोनों में फर्क है। ये आपका मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल, और ये आपका मैलिक अम्ल। ठीक है, अगर मैं यहां पे जैसे यहां कार्बन पे मैंने OH जोड़ रखा, अगर मैं एक OH यहां पे और जोड़ देता हूं तो ये हो जाता है आपका टार्टेरिक एसिड। ये क्या हो जाता है? टार्टेरिक एसिड। एक ओ एच यहां जोड़ दू, एक ओ एच यहां जोड़ दू तो COOH, ये हो जाएगा आपका टार्टेरिक एसिड। ये क्या हो जाएगा? टार्टेरिक एसिड। अब इनके आयुपेक नेम की अपन बात करें तो देखो नंबरिंग कहां से करोगे आप? नंबरिंग कहां से करोगे? 1 2 3 4, सीधी सी नंबरिंग हो जाएगी। अब देखो कितने कार्बन है? चार कार्बन। चार कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। अब यहां पे देखो अनसेचुरेशन आ रखा, डबल बॉन्ड आ रखा, तो आप यहां पे डबल बॉन्ड आया ना तो इसकी आपको पोजीशन के साथ उसका सफिक्स लगाना होगा। और कितनी पोजीशन पे? टू पे। तो ब्यूट
टू इन, ब्यूट टू इन वन कोमा फोर डाइओइक एसिड, ये क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन वन फोर डाइओइक एसिड, ठीक है। अगर आप इसको और मोर करेक्ट तरीके से लिखना चाहो तो आप यहां पे क्या लगा देना, सिस ब्यूट टू इन वन फोर डाइओइक एसिड, क्योंकि मेलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड दोनों का आयुपेक नेम अगर आप ऐसे सीधा लिखते हो बिना इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को दिखाए तो नाम तो सेम ही हो जाएगा इनका भाई, इनका नाम क्या हो जाएगा, सेम। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है सिस ब्यूट टू इन वन फोर डाइओइक जो एसिड होता है उसको मेलिक एसिड बोलते हैं, कई बार वो ऐसे सीधा ही पूछ लेता है मेलिक एसिड का नेम क्या होगा, तो मेलिक एसिड का नेम होगा सिस वाला, ठीक है। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, ट्रांस है, ट्रांस वन टू थ्री फोर, चार कार्बन है इसके जैसा ही, ब्यूट टू इन वन फोर डाइओइक एसिड, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेलिक एसिड, मेलिक एसिड में आप नोमेनक्लेचर जब इसका करोगे तो इसमें सबसे पहले आपको प्रिंसिपल चेन लेनी होगी, प्रिंसिपल चेन आप कौन सी वाली लोगे, एक ही दिखाई दे रही है सीधी ये वाली, इसको प्रिंसिपल चेन ले लिया तो नंबरिंग कहां से करोगे, नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां पे आपको सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ता हो, तो नंबरिंग यहां से होगी वन टू थ्री फोर, अगर आप इधर से करते हो तो ये तीन नंबर पे आएगा, ठीक है। तो नंबरिंग अपन ने यहाँ पे इसकी कर दी है, अब बात करते हैं अपन इसके नाम की, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा देखो इधर चार कार्बन है, चार कार्बन है और सबसे पहले अपन को यहां पे लिखना होगा सब्स्टिट्यूएंट, इसमें सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे कितनी पोजीशन पे है, टू हाइड्रोक्सी OH का हाइड्रोक्सी लगेगा, याद रखना क्यों, क्योंकि COOH इससे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, अगर OH आ रखा तो अब यहां पे ये भाई साहब एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम में आएगा OH, ठीक है। तो टू हाइड्रोक्सी, चार कार्बन है, ब्यूटेन और वन और फोर पे क्या है, वन कोमा फोर डाइओइक एसिड, ये इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टार्ट्रिक एसिड, ये सिमेट्रिकल है, कहीं से भी दे लो वन टू थ्री फोर, किधर से भी दे लो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टू कोमा थ्री डाई हाइड्रोक्सी, चार कार्बन है, ब्यूटेन सबके सब क्या है, सेचुरेटेड है, ब्यूटेन हो जाएगा और वन कोमा फोर डाइओइक एसिड, ये इसका क्या हो जाएगा, आयुपेक नेम हो जाएगा, इसको नोट डाउन करिए फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट अपन एग्जांपल की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं पाइरूविक एसिड और इसको बोलते हैं अपन लैक्टिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, COOH, इसको बोलते हैं अपन सिनामिक एसिड, ठीक है। और बेंजीन रिंग से ही मिलता जुलता एक ऐसा, बेंजीन रिंग के ऊपर COOH और OH, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक, सैलिसिलिक एसिड। और एक और याद रख लेना आप, COOH O C डबल बॉन्ड O C S3, इसको बोलते हैं एस्प्रिन, इसको क्या बोलते हैं अपन एस्प्रिन बोलते हैं। तो ये कुछ एसिड और हैं, इनके कॉमन नेम आप याद रखना, इनके कॉमन नेम आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे ही। ये जो सिनेमल्डिहाइड, ये जो सॉरी सिनामिक एसिड है, ये आपके रिएक्शन दे रखी है, आपके सिलेबस के अंदर रिएक्शन दे रखी है, परकिन रिएक्शन, नोविंजल रिएक्शन, स्टॉप कंडेंसेशन, ऐसा दे रखा है। तो
तो ये सिनामिक एसिड उन रिएक्शन में से एक का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये याद रखना, सैलिसिलिक एसिड इंपॉर्टेंट है। ऐसा ये एस्प्रिन है, ये एक मेडिसिन है एस्प्रिन, जो जैसे पैरासीटामोल वर्क करती है ना फीवर में, या फिर शरीर के अंदर थोड़ी सी जैसे कोई खांसी जुकाम हो रखी हो या कोई इचिंग सी हो रखी हो, तो ऐसे एस्प्रिन भी क्या करती है, उसके जैसा ही वर्क करती है, ठीक है। किसी के हेडेक हो रहा हो या वोमिटिंग हो, वोमिटिंग जैसा मन हो रहा हो, तो उसको एस्प्रिन टेबलेट दी जाती है। ये एक मेडिसिन है। तो ये सिंपल आपके एग्जाम्पल है। सबसे पहले अपन बात करते हैं पाइरूविक जो एसिड है उसकी, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा वो देखो आप। तो पाइरूविक एसिड की अगर मैं नोमेनक्लेचर की बात करूं तो नंबरिंग कहां से करोगे, 1, 2, 3। अब देखो इसके अंदर आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा दो फंक्शनल ग्रुप। अब दो फंक्शनल ग्रुप है तो ऑब्वियस बात है एक को तो सब्स्टिट्यूएंट बनना ही होगा,